तो दोस्तों डीटीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो तस्वीरें, ये एक मेवात के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अब मेवात के नौजवान जो मेवात में क्रिकेट के प्रतियोगिता है, जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, जो खेल कूदों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनके लिए, मेवातियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। अब मेवात की टीम आईपीएल के तर्ज पर खेलेगी। और पूरी डिटेल हम आपको बता दें कि देखिए एनसीआर की बड़ी क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में मेवात क्रिकेटरों को मिलेगा खेलने का मौका। तो दोस्तों अब मेवात की टीम आईपीएल के तर्ज पर खेलेगी। और अब इसका प्रोसेस क्या है हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं, और किसने ये टीम बनाई, और कब इसकी प्रतियोगिता कब से शुरू होगी, और इसका जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एनसीआर क्षेत्र में आईपीएल की तर्ज पर खेली जाने वाली बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में इस बार मेवात के युवाओं को भी खेलने को मौका मिलेगा। शारदा फाउंडेशन चैरिटी लीग्स में इस वर्ष मेवात रॉयल्स के नाम से भी एक टीम खेलेगी, जिसके फ्रेंचाइजी मशहूर फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप व मेवात के रहने वाले यहाया इब्राहिम होंगे। तो दोस्तों निदेशक दीपक कुमार व स्पोर्ट्स क्यू प्रबंधक से अंजुम सबरस ने बताया कि इस लीग में देश के अलग अलग कोनों से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 8 फ्रेंचाइजियों के साथ दिल्ली कैपिटल्स, हरियाणा हेरिकेन, बंगाल टाइगर, चेन्नई किंग, पंजाब 11, यूपी योद्धा और मेवात रॉयल्स टीमों में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि मेवात रॉयल्स के फ्रेंचाइजी फैंटेसी क्रिकेट गुरु यहाया इब्राहिम व सद्दाम होंगे। तो दोस्तों जो मेवाती क्रिकेटरों की अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा अवसर इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को मिलेगा। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को लाखों रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी मैचे सीधा प्रसारण होंगे। उन्होंने बताया कि इस चैरिटी लीग में खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जिसके आधार पर ही अलग अलग फ्रेंचाइजी से मेवात के युवाओं को खेलने का मौका मिलेगा। नीलामी प्रक्रिया आगामी 15 फरवरी से शुरू होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक यहाया और सद्दाम ने एक मेवात की टीम बनाया है, और वो आईपीएल के तर्ज पर खेलेगी और बड़ी बड़ी टीमों से वो मुकाबला करेगी। अब देखना है कि 15 फरवरी से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये देखना है कि यहाया इब्राहिम और सद्दाम हुसैन कितने मेवात के खिलाड़ियों को लेते हैं। एक टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं और जो मेन खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं। अब कहां से वो चुनेंगे, और अगर आपको क्रिकेट इस प्रतियोगिता में खेलना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता आप दे दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको चुना जाएगा। फिर आपको वहां पर खेलने के लिए मौका भी दिया जाएगा। और अब मेवात का नाम दुबई में भी गूंजेगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में गूंजेगा कि मेवात रॉयल्स के नाम से भी एक टीम आईपीएल में अब खेलेगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, और उसके फाउंडर हैं यहाया और सद्दाम। अब बात ये आती है कि यहाया कौन है, हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज के अखबार की कटिंग है। अमर उजाला में भी ये खबर लगी है और दैनिक जागरण में भी ये खबर लगी है। ये मेवातियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम यहाया के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये यहाया इब्राहिम है, और यहाया इब्राहिम ये है, हम आपको बता दें, देखिए ये यहाया इब्राहिम है, आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाया इब्राहिम है, ये क्रिकेटर है। और ये अब उन्होंने जो अवार्ड दिया था दुबई में जाकर, यहाँ इब्राहिम ने उसके खिलाड़ियों से मिले। जिस तरह आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ इब्राहिम एक ऐसे सितारे हैं मेवात के, जो विदेशों में मेवात को अपना नाम रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ मेवात का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों दूसरी तस्वीर की ओर चलते हैं। देखिए ये यहाया इब्राहिम है, आपको सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इनका अता पता भी हम आपको बताएंगे, इनकी जो हिस्ट्री है वो भी हम आपको बताएंगे, और जो इनका इनका जो सफर है इस मंजिल तक पहुंचे हैं वो उसके भी बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले इनके हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाया इब्राहिम ये है, यहाया को क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव है। यहाया हर रोज क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करते हैं, और मेवात के नौजवान लड़कों को क्रिकेट के लिए वो आगे बढ़ाते हैं कि हमारा मेवात का नाम रोशन हो, हमारे क्षेत्र में से आईपीएल भी खेलें,
लड़के और इंडियन लेवल पे भी जाएं, इंडिया लेवल पे भी जाएं कि वर्ल्ड कप को लेके आए। तो दोस्तों देखिए, आप जिस तरह आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ इब्राहिम है और ये उन्होंने एक मैच रखा था और इन्होंने मैच में ये शील्ड उन्होंने जीती थी। तो दोस्तों ये तस्वीरें यहाँ इब्राहिम की हैं, ये देखिए। तो दोस्तों जितने भी खिलाड़ी हैं इंडिया में आईपीएल में खेले जो, उनके साथ सबके साथ यहाँ इब्राहिम का फोटो है, उनसे सबसे मुलाकात है। और अब यहाँ इब्राहिम ने एक अच्छी पहल की है मेवात के लिए कि हमारे बच्चे क्यों ना आईपीएल में खेलें। अब हमारे मेवात के बच्चे भी आईपीएल में खेलेंगे और मेवात की टीम भी एक मेवात रॉयल्स के नाम से आईपीएल में टीम होगी। ये यहाँ की तस्वीरें हैं, आप देखिए, ये यहाँ है, ये देखिए, ये यहाँ है और आप हर खिलाड़ी के साथ इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। और इनकी फेसबुक यहाँ इब्राहिम फंटेसी क्रिकेट गुरु के नाम से आप वहां पर जाइए और इनकी पूरी डिटेल देखिए। अब मेवातियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और मेवाती अपना नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में गूंजेगा और वो आईपीएल में खेलेंगे और उस मेवात रॉयल्स की जो फाउंडर है वो यहाँ होंगे और सद्दाम साथ में, यहाँ और सद्दाम दोनों साथी होंगे। और उसके बाद अब देखना है कि क्या मेवात की टीम आगे बढ़ पाएगी। और अब रोमांचिक, अब मेवाती गढ़ कर देखते हैं टीवी को, नजर ऐसे देखते हैं कि जब आईपीएल चलता है बिल्कुल फोकस करते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा रन बनाएगा। लेकिन अब की बार मेवातियों को अपने मेवाती वहां पर देखेंगे कि वो आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। और लोग, अब दोस्तों आप भी इंजॉय कर सकते हैं और आप भी अगर अच्छी क्रिकेट जानते हैं तो आप संपर्क करें और 15 फरवरी से इसकी प्रक्रिया आगामी शुरू हो जाएगी। अब देखना है कि कितने खिलाड़ी ये मेवात से, टोटल मेवात से ही लेने हैं। तो दोस्तों अब मेवात की टीम आईपीएल के तर्ज पर खेलेगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये खबर कैसी लगी और यहाँ इब्राहिम के बारे में आप बताइए क्या यहाँ इब्राहिम की ये पहल अच्छी थी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और यहाँ इब्राहिम की पूरी हिस्ट्री, पूरा स्ट्रगल, पूरे जो यहाँ तक जो पहुँचे हैं अब तक, पूरी उनका सफ़र हम बाय उनके फेस से और आपको DTV न्यूज़ चैनल पर सुनाएंगे, किसी दिन दिखाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।